तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेक जाधव पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ना कि यहाँ पर किस तरह से आप पेटीएम के कस्टमर केयर से बात कर पाएंगे, हम इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को कर लेता हूँ शुरू और सीख लेते हैं ना कि पेटीएम के कस्टमर केयर से हम कैसे बात करते हैं, क्या तरीका होता है, हम सारा कुछ बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। तो चलिए फिर फटाफट हम इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू, और वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें चलना होगा अपने क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। हम क्रोम ब्राउजर में आ चुके हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ से सर्च करेंगे डायरेक्टली पेटीएम कस्टमर केयर नंबर, पेटीएम कस्टमर केयर नंबर, और पेटीएम के कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पर आ गया जैसा आप देख पा रहे हैं। हमें इस नंबर को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद अपने डायल पैड में आना है और डायरेक्टली यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैंने कर दिया। अब इस नंबर पे ना हमें कॉल करना है, ठीक है। यहाँ से सॉरी, यहाँ पे हम नंबर एक बार और कॉपी करेंगे बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो चुकी है, तो दोबारा से कर लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे 0120 लगा लेते हैं ऐसे ही, 01210, ठीक है। यह नंबर इस पर हमें कॉल करना है, यहाँ से जैसे जो बीच में लग गया इसको हटा देंगे, कॉल करेंगे इस नंबर पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने नंबर से कॉल कर दिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। वेट करना है, पेटीएम कर, देखिए वेट करना है थोड़ा सा, थोड़ा सा वेट कर। आपका स्वागत है, हिंदी के लिए एक दबाएं, एक दबाना है, एक दबाना है। केवाईसी से संबंधित समस्याओं के लिए एक दबाएं, पासवर्ड, पिन और पेटीएम अकाउंट से संबंधित समस्याओं के लिए दो दबाएं। पेटीएम वॉलेट में जोड़ने या भुगतान करने या भेजने से संबंधित समस्याओं के लिए तीन दबाएं। पेटीएम बैंक डेबिट कार्ड या चेकबुक से संबंधित किसी भी समस्या के लिए चार दबाएं। यूपीआई से संबंधित समस्याओं के लिए पाँच दबाएं। पेटीएम वॉलेट अकाउंट या डेबिट कार्ड के खो जाने या अनाधिकृत उपयोग होने की रिपोर्ट दर्ज कराने, ध्यान दीजिए, छह दबाएं। पेटीएम पर प्लेस किए गए ऑर्डर्स, शॉपिंग, ट्रैवल, मूवीज, रिचार्जेस के लिए सात दबाएं। भाषा बदलने के लिए शून्य दबाएं, ध्यान दीजिए। दोबारा सुनने के लिए स्टार दबाएं, तीन दबाना है। पैसे ऐड करने से संबंधित सवालों के लिए एक दबाएं, वॉलेट द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से संबंधित सवालों के लिए दो दबाएं। अगर आपको पेटीएम वॉलेट से संबंधित, ध्यान दीजिए, या आपको वॉलेट से संबंधित पेमेंट से जुड़ी समस्या है तो तीन दबाएं। अपना वॉलेट बैलेंस चेक करने के लिए चार दबाएं। पिछले मेन्यू में जाने के लिए स्टार दबाएं। मेन मेन्यू में जाने के लिए दबाएं। यहाँ पर हमें तीन दबाना है, ठीक है, दोबारा से। अन्य पेटीएम यूजर को पैसे भेजने से संबंधित प्रश्नों के लिए एक दबाएं। मर्चेंट्स के पेमेंट से संबंधित प्रश्नों के लिए दो दबाएं। वॉलेट से बैंक में पैसे भेजने से संबंधित प्रश्नों के लिए तीन दबाएं। राशि ऐड करने से संबंधित प्रश्नों के लिए चार दबाएं। पिछले मेन्यू में जाने के लिए चार दबाएं। मेन मेन्यू में जाने के लिए हैश दबाएं। तीन दबाना फिर दोबारा से। प्रिय ग्राहक, आप एक ही बैंक खाते में 1,00,000 रुपए तक भेज सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना है। कुल 2,00,000 रुपए तक भेज सकते हैं। बैंक में पैसे भेजने के लिए पेटीएम ऐप खोलें, पासबुक पर जाएं और सेंड मनी टू बैंक पर क्लिक करें, फिर राशि दर्ज करें, ध्यान दीजिए, और उसके बाद अकाउंट नंबर चुने। इस इंफॉर्मेशन को दोबारा सुनने के लिए एक दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाएं। मेन मेन्यू में जाने के लिए हैश दबाएं। हमारे एजेंट से बात करने के लिए नौ दबाएं। नौ दबाना है। एजेंट से बात करने के लिए आपको अपना पासकोड या ओटीपी दर्ज करना होगा। पासकोड के लिए एक दबाएं, ओटीपी दर्ज करने के लिए दो दबाएं। दो दबाना है। अभी ओटीपी आ जाएगी आपके नंबर पे। मोबाइल पर प्राप्त हुए ओटीपी को दर्ज करें। वही ओटीपी यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। देखिए आ गई ओटीपी हमारी, देख लेते हैं ओटीपी क्या है। तो हमारी ये 76 47 48 में भर देता हूँ, ठीक है।
मैंने भर दिया, वेट करना है। हम आपकी कॉल कस्टमर केयर देख सकते हैं ट्रांसफर कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें, एजेंट आपको सिर्फ उसी मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकारी देगा जिसके लिए आपने अनुरोध किया है। वेट करेंगे। कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। वेट करेंगे। प्रिय ग्राहक, इंजन से जुड़ने के लिए आपका अनुमानित प्रतीक्षा समय 1 मिनट से कम है। जी गुड मॉर्निंग सर। सर पेटीएम से सर अर्निंग के तरीका जानना चाह रहे थे सर, अर्निंग कैसे किया जाए। सर पेटीएम से अर्निंग का तरीका जानना चाह रहे थे, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। दोस्तों आप इस तरह से कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। मुझे बस आपको बस दिखाना था कॉलिंग का प्रक्रिया जो मैंने आपको दिखाया। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।